लखनऊ से खबर, जहां पीएफआई सदस्य मोहित हाशमी गिरफ्तार हुआ है और मोहित हाशमी और मोहम्मद आबिद गिरफ्तार हुए हैं। राठ हमीरपुर का मोहित हाशमी है, कैसरबाग से इसको गिरफ्तार किया गया है और गुड़ब्बा इलाके से मोहम्मद आदिब गिरफ्तार हुआ है। आरोपियों से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं और लखनऊ में पीएफआई से जुड़े 5 युवक अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। पीएफआई के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर भी जारी। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता, एसके वाजपेयी, दो और गिरफ्तारियां हुई है, क्या जानकारी इन दोनों के बारे में, किस तरह की इनकी संलिप्तता थी इसमें? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार यूपी एसटीएफ की तरफ से कार्रवाई जारी है और गिरफ्तारी जो पूर्व में गिरफ्तारी माजिद की हुई थी उससे पूछताछ के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई तो लगातार उनके कनेक्शन जिन जिन लोगों के साथ थे ये लगातार एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में थे और बातचीत कर रहे थे। हालांकि एक व्यक्ति को लखनऊ के बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। अब एसटीएफ उन लोगों से भी पूछताछ करेगी, कहीं ना कहीं और चीजें जानने की कोशिश होगी। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो लगातार यूपी एसटीएफ पूरे प्रदेश भर में ऐसे सभी सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है जो लोग आपस में जुड़े हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। हालांकि उसके पास से जो कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं वो भी आपत्तिजनक है और लगातार इन सारी चीजों को लेकर यूपी एसटीएफ पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और कहीं ना कहीं एक कोशिश भी लगातार एसटीएफ की तरफ से जारी है कि ऐसे जो भी लोग हैं जो एक दूसरे के साथ इस तरीके की कोई भी गतिविधि कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो निश्चित तौर पर लगातार यूपी एसटीएफ की कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में जारी है, जिस क्रम में दो और गिरफ्तारियां यूपी एसटीएफ ने की हैं। जी बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी जानकारी के लिए। तो लखनऊ में पीएफआई से जुड़े अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, आज भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो पीएफआई सदस्य मोहित हाशमी गिरफ्तार हुआ है। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और 5 साल के लिए पीएफआई को बैन किया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया और देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन के बाद यह फैसला लिया गया। पीएफआई से जुड़े कई संगठनों पर भी बैन लगा है। तो देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगाया गया और पीएफआई से जुड़े कई संगठनों पर भी बैन लगा है। तो केंद्र सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है। नेशनल विमेन फ्रंट, इस पर भी बैन लगाया गया। जूनियर फ्रंट को भी बैन किया गया। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन को भी बैन किया गया है। रिहैब फाउंडेशन केरल, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया और रिहैब इंडिया फाउंडेशन पे भी प्रतिबंध लगाया गया है। पीएफआई के इन संगठनों पर बैन लगाया गया है। ऑल इंडिया ईमान काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा नेशनल विमेन फ्रंट, ये वो संगठन हैं जो पीएफआई से जुड़े हुए थे। दंगों से हत्या तक पीएफआई शामिल है। किन किन मामलों में पीएफआई का हाथ है ये सामने आया है। दिल्ली में दंगे फैलाने का भी आरोप, किसानों के आंदोलन में भी नाम आया था, किसान आंदोलन में नुपुर शर्मा विवाद से भी इसका कनेक्शन, और दंगे से हत्या तक पीएफआई शामिल है।